जो भी ये चैनल को देख रहा है, मेरे आलो के वासियों और लेपारादा लिकावाली के सभी सिटीजन को मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आज हम लोग ये जो घटना चल रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। और ये जो ILP का प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोग को बताना चाहूँगा। जैसे कि ILP के बारे में, ILP का ऑफिस जल्दी से जल्दी ये चेक पोस्ट के साथ इस्टाब्लिश करना चाहिए, एक ऑफिस जो कि यहाँ पे टेम्प्रोरी जो ILP बनाता है उनको जल्द से जल्द ILP मिल सके, बाहर से आने वाला को कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, ये जो ILP का है रुक्सिन गेट में है, जो कि बहुत ही मतलब आसान हो जाता है पब्लिक को, जो बाहर से आने वाला है जो हमारे आलो में प्रवेश करने के लिए, और नचल जो विजिटर है उनके लिए आसान होता है, और जो भी है जो अभी घटना चल रहा है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और दूसरा बात, ये जो प्रॉब्लम है इनको हम लोग बहुत मतलब सीरियसली आफ्ताब की तरफ से ले रहे हैं। इतना सालों से इतना बड़े बड़े ओहदे पे जो बैठे हुए हैं हमारे ऑफिसर्स, उनका जितना भी लेबर आता है उन लोग को सब मालूम है ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन उनका बोलेरो जो है स्कॉर्पियो या फॉर्चुनर में आ जाता है वो अपना ड्राइवर भेज के, तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता है जो, लेकिन जो हमारे बस्ती में रह रहे हैं जो भी पब्लिक है, जनता है, उनको लेबर लाना होता है तो उनका तो नॉर्मल काम होता है, तो उन लोग लेबर का ज़रूरत होता है जो मिस्त्री का काम करते हैं, तो उनको लाने में हम लोग का पास इतना बोलेरो फॉर्चुनर का साधन नहीं है, तो वो या टाटा सुमो या इसमें हायर करके लाते हैं, बस में आते हैं, तो उनको ऐसा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। और उन लोग ये चीज़ को पहले ही आप लोग रेक्टिफाई करने से आज ये नौबत नहीं आना था। मैं पब्लिक को अपील दोबारा कर रहा हूँ, और मेरा ये जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द वहाँ पे एक ILP का इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस का इस्टेब्लिशमेंट कराने से ठीक है, बोल के हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर वेलकम। तो सर सुनने में सर ये है कि सर आप लोग सर जब भी सर जाता है तो सर गेट में आप लोग 500 रुपीज़ देता है, तो 500 रुपीज़ सर अगर सर आप लोग वो 500 रुपीज़ देते सर आप लोग को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रसीद मिलता है उस पैसा का, या उस पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है? 500 रुपया कहाँ में लिया जाता है मैं डिटेल से बताऊँगा। तो जब वहाँ से नॉन ट्रेवल ले कर हम लोग आता है तो एंट्री को स्ट्रिक्ट करना तो सही है, हम लोग भी साथ देता है, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं करता है। जिसका पास नहीं है तो उसको 500 रुपया ले कर छोड़ दिया जाता है फ्री, तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो और ये मेरा ये और अपील है आउटगोइंग ये को ILP रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है। और जितना वेस्ट सियांग का ड्राइवर का तरफ से मैं यही अपील करना चाहूँगा लिखावाली एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और ये आप हम चेक पोस्ट को बाउंड्री में रखना है, और टेम्प्रोरी ILP इशू करने वाला उधर साथ में चेक पोस्ट में बैठाना है, यही हम लोग का अपील है। ओके, हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग आलो, गुड मॉर्निंग लेपारादा, सीओमी एंड लिकावाली। आज हम आपके थ्रू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जो आफ्ताब की ओर से करे किया जा रहा है, ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, रिगार्डिंग जो बंद कॉल किया है दिया है आसाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की तरफ से, उसी का बारे में हम आप लोगों को थोड़ा आप लोगों का नॉलेज में हम कुछ बात बताएंगे। तो उससे पहले हम आप लोगों को मेरा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, उसका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहेगा। मेरा राइट ओवर है श्री केंते होते जो जनरल सेक्रेटरी है आफ्ताब वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, लेफ्ट में है श्री मोन्या लोलेन जो कन्वेनर है आफ्ताब वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट, और फार लेफ्ट में है श्री जुमिन सोरा जो आलो टू ईटानगर कमर्शियल ड्राइवर यूनियन एफिलिएटेड टू आफ्ताब उसका सेक्रेटरी, और हमारा फार राइट में है श्री केंगा मेहता
जो वाइस प्रेसिडेंट है प्रोटोकॉल का, और पीछे में जितना भी जो मेंबर है वो हमारा आफ्ताब का मेंबर एक्टिव मेंबर्स है, जो आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा गवाह के तौर पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं हमारा अरुणाचल का और स्पेशली आलो का आदमी लोग को कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई कोई आदमी अभी का जो ये बंद कॉल, जो कमर्शियल व्हीकल्स जिसको हम लोग बंद किया हुआ है रिगार्डिंग जो लिकाबाली में चेक गेट में इनफेमस एक इंसिडेंट हुआ है पुलिस चेक गेट में, जहाँ में हमारा अब तक असम प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का प्रेसिडेंट श्री रंजन गोगोई को अनलॉफुल डिटेंशन किया है 4-5 आवर्स के लिए, जस्ट फॉर क्वेश्चनिंग आर्गू किया बोल के उन्होंने डिटेंशन किया पुलिस वाला। और जो 4 लेबरर्स है जिसका ILP होते हुए भी जस्ट फॉर क्लियरिकल मिस्टेक उनको डिटेन किया, डिटेन करने का साथ साथ उनको हैरेसमेंट भी किया, 3rd degree भी दिया, जिसका मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास में है। तो उसके बाद में ये घटना 31 जुलाई का है, तो अभी ये बात इतना बढ़ गया कि इसी को हम लोग अपोज करते हुए जो असम प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने हमको हमारा अरुणाचल में आलो दापोरिजो पासीघाट COME सबको एक लेटर दिया है कि सेकिंग फॉर कॉरपोरेशन माने इसको सहयोग कीजिए इस बंद को अगेंस्ट वो पुलिस एडवोकेटिस एट लिकाबाली पुलिस स्टेशन और चेक गेट में। तो उनका जो डिमांड है हमने पढ़ा और आपको भी हम बता देना चाहता है कि उनका डिमांड जो है उनका कहना है कि चेक गेट में आपका जितना भी इंक्योंग मेचुका तिरबिन निर्मोबा आलो जो गाड़ी जाता है उनको बहुत हैरेस किया जाता है इन द नेम ऑफ ILP, जो टूरिस्ट लोग है, जो लेबरर्स लोग है और गाड़ी ड्राइवर्स लोग को, ओनर्स लोग को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वेयर इज द पुलिस पर्सनल जो चेक गेट में है वो हमारा सेफ्टी के लिए, हमारा मदद के लिए होता है, लेकिन उन लोग का कहना है कि ड्राइवर लोग से कंप्लेन है कि उनको हैरेस किया जाता है ILP का नाम पे, गाड़ी डॉक्यूमेंट्स का नाम पे, वेयर इज द चेक गेट में आपको MB चेकिंग का कोई उन लोग को ऑथोराइज नहीं है। और सेकेंड जो डिमांड है वह है कि ये आपका जो है 31 का जो घटना है उसमें ऑफिसर इंचार्ज और जो पुलिस पर्सनल है वो हमारा जो 4 लेबर है उनको मैन हैंडल किया है थाना के अंदर में, तो विच इज़ टोटली इलीगल, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, आपका ILP में कुछ गड़बड़ी है, डिस्क्रिपेंसी है, आप उसको गेट तक रोक दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन थाना में लाके उसको रखा, डिटेंशन किया, कोई बात नहीं है, लेकिन उनका ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसको हम कंडेम करता है। तो थर्ड जो है ऐसा एलिगेशन है जो बाद में हमारा जो सेक्रेटरी जो साहब है ऑल आलो टू ईटानगर कॉमर्शियल यूनियन का, वो आपको शायद डिटेल में बताएगा कि ऐसा सुनने में आया है कि आते हुए भी इनको 500 रुपया का देना पड़ता है, जाते हुए भी इनको 500 रुपया का देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट का एक्सचेकर में जाता नहीं है। तो पता नहीं वो 500 रुपया किस बात का इन लोग चार्ज कर रहा है, उसको हमको पता नहीं है। तो हमारा यही अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आलो लपारादा लिकाबाली से, अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो इसको इमीडिएट स्टॉप करना चाहिए। देखिए अभी जो ब्लॉकेट हो रहा है कमर्शियल गाड़ी का ब्लॉकेट हो रहा है, जिसका वजह से अभी हमारा आलो का पब्लिक लोग का पास में एसेंशियल कम्योडिटीज अभी नहीं आ रहा है, और शायद ये अगर लंबा चलेगा तो हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ये एसेंशियल कम्योडिटीज का। तो इनका जो डिमांड था जेन्युइन है, हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट टोटली उनको सपोर्ट है, सॉलिडरिटी दिखाते हुए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आप लोग को सामने कर रहा है। और कुछ कुछ ऐसा मिसकंसेप्शन है हमारा आलो पब्लिक का कि कोई कोई इसको हमारा जुनू होटल का साथ जो लिंक कर रहा है, ऐसा कहना है कि कोई कोई कि ये आसाम आदमी लोग जुनू होटल का बदला ले रहा है, वेरस ऐसा कोई बात नहीं है। जुनू होटल का इशू टोटली अलग है, ये जो ILP का मैटर है और पुलिस का जो हैरेसमेंट का मैटर है उसमें कोई अरुणाचल आसाम का कोई बात नहीं है इसमें, इसलिए आप लोग इसको आप लोग मिक्सअप मत कीजिए। और सेकेंडली हमारा ये अपील है कि जो पुलिस पर्सनल जो चेक गेट में रहता है और जो OC लिकाबाली रहता है उनको एक ऐसे ऑफिसर रहना चाहिए जो कि पब्लिक के साथ पब्लिक फ्रेंडली हो, क्योंकि अरुणाचल आसाम जो है वो बाउंड्री है, बहुत सेंसिटिव होता है,
उसमें कुछ भी इंसिडेंट से एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो काइंडली हम होम मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन उनसे हमारा ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि अब ऐसे पुलिस ऑफिसर को आप वहाँ तैनात मत कीजिए जिसका कारण से हमारा अरुणाचल बदनाम होगा। और ये जो हमारा सीएम साहब टूरिज्म सेक्टर को इतना बढ़ावा दे रहा है, इतना टूरिज्म का बात करता है, तो टूरिज्म टूरिस्ट कहाँ से आएगा जब आपका आईएलपी में आपका चेक गेट में आपका पुलिस हैरेसमेंट करता है। तो ये सब चीज़ को हम देखते हुए हमने बहुत इसको स्टडी किया। हम अभी भी टच में है जो असम हमारा काउंटर पार्ट है, तो उनको हम सॉलिडरिटी दिखाते हुए हमने ये डिसाइड किया कि चलो हम भी उनका साथ देगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है जेन्युइन है, ये अभी का मुद्दा नहीं, ये बहुत साल से चला आ रहा है, लेकिन अभी सरफेस आउट हुआ क्योंकि ये ज़्यादा हो गया इनका। तो हम अपील करता है कि पब्लिक से कि आप लोग हमारा ये बात को ध्यान से सुनिए और सुन के आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग ने कमर्शियल गाड़ी